चीज। दूसरी चीज, ये सामान मुहैया करने और लाइट की जो व्यवस्था है, सारे बिजली ठप हो जाएंगे तो जनरेटर तो ठीक है, लेकिन कुछ इस तरह का स्टॉक रखा जाए हर जगह, इमरजेंसी स्टॉक इसके लिए, जिसमें कि खाने की भी व्यवस्था हो, सलाई मोमबत्ती वगैरह वगैरह बहुत सारे चीज होते हैं जो रहे, देन एंड देयर वहां से उसको सप्लाई किया जा सके, उसको पहुंचाया जा सके। यही मेरा सजेशन है। और बाकी तो हम एनजीओ को जो आप सरकार के लोग करेंगे उसके साथ वॉलंटियर हम प्रोवाइड करेंगे, वक्त आने पर हम बाहर से पूरे देश से मांग सकते हैं एनजीओ से सेवा, इसका हम आश्वासन आपको दे रहे हैं। धन्यवाद। मेरा डिपार्टमेंट स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट नहीं है, फिर भी जो ट्रैफिक रेस्टोरेशन ब्रिजेस में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शंस हो जाते हैं उनके रेस्टोरेशन, या जो रोड्स में जो क्रैक्स वगैरह डेवलप पड़ जाते हैं या ब्रिजेज हो जाते हैं अर्थक्वेक के चलते, तो मेरे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स हैं उसमें जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनका जो डायरेक्शन होगा उसके बारे में। पटना में ही तो 3000 होम मेरे पास है, 3400 होमगार्ड्स है, नालंदा में 1100 होमगार्ड्स है, इसका यूज करना बहुत आवश्यक है। अभी जो सरकार के स्तर से मेरा स्पेशल बटालियन बना है उसका नाम ही है स्पेशल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, एक स्पेशल बटालियन है सर उसका, नहीं जो स्पेशल बटालियन मेरे यहाँ आया खुला है उसका नाम है स्पेशल बटालियन रिस्पांस फोर्स, दैट इज ओनली फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर ऐड किया गया सर, हम लोग उसको ट्रेनिंग देते हैं, हम लोग इस मामले में ट्रेनिंग देते हैं और इसका थोड़ा सा हमको भी अनुभव प्राप्त है। व्हेन आई वाज पोस्टेड एट दरभंगा इन 1987, तो उसमें ये अर्थक्वेक आया था, मैं मॉर्निंग का टाइम था 4:30 में, तो 4:30 में मैं उठा, देखा मेरा ये एक्वेरियम जो है वो शॉक हो रहा हिल रहा है, तो मैं क्या हो गया, तो मेरा और अफसर लोग आए मेरे पास, बोला कि भाई ये सर ये अर्थक्वेक आ गया है, भूकंप आ गया है, निकलिए। हमने वहां से वापस आया, अपना मेरे पास जो भी फोर्स था उसको मैं लेकर फिर रेस्क्यू में लगा, और एक कैदराबाद जगह है जहां के हमको अभी तक याद है, ऊपर जाकर छत पर जाकर दो दंपति जो सोए हुए थे दब गए थे गिरकर छत से, उनको मैंने निकाला। ये होम गार्ड्स का जो सर स्पेशल ड्यूटीज है इसको होना चाहिए, और आई बाउंड टू डू द जॉब। पिछले बार मैंने गांधी मैदान में मॉक डेमोन्स्ट्रेशन दिया था, माननीय मुख्यमंत्री महोदय आए थे, सभी लोग अफसर मौजूद थे, तो सर इस जॉब को हम करने के लिए तैयार हैं हर एक तरह से, और इसका होम गार्ड्स को ग्राउंड लेवल पे इसको सर यूटिलाइज किया जाए, बहुत अच्छी फोर्स है, बहुत बड़ा आपके पास वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें किसी तरह कोई एक्सपेंस की बात नहीं है, अपने आप करेगा वो सर। हमेशा सर होता है, हमेशा हाँ आपदा प्रबंधन में उसका, पिछले बार जो ये आया था बाढ़ आई थी उसमें मेरा होमगार्ड गया था, आपका जो ये फोर्स है सर नेचुरल डिजास्टर का जो है सर उड़े जाते हैं लोग, नहीं सर वो ये हाई लेवल की बात है, मेरे डीएडीए साहब बैठे हुए हैं, डीए साहब से बात करेंगे सर, मैं तो उनके तरफ से आया हूँ। नहीं सर हम डिस्कशन करेंगे सर, लेकिन ये आपका सर उनके बीच का जॉब है, क्या देंगे नहीं देंगे वो सर दैट इज नॉट अप टू मी सर। थैंक यू सर। शिवचंद्र झा ने बहुत राशि दी है मकान बनाने के लिए, ऐसे मकान जो कि फ्लड और अर्थक्वेक से रेजिस्टेंस हो, तो अगर वो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को ये राशि दी जाती है और ये एनजीओ के थ्रू इसको एक्सक्यूट किया जाता है, तो मैं समझता हूँ यह कार्य बहुत सफलीभूत होगा। धन्यवाद। इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ द मीडिया, एनजीओ, सभी सरकारी विभाग के पदाधिकारीगण, हम लोग आज इस कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस में जुटे हैं ताकि कल का मॉक एक्सरसाइज अच्छे ढंग से हम लोग कार्यान्वित कर सके। मॉक एक्सरसाइज का मकसद है कि एक रियल नियर रियल लाइफ सिनेरियो की तरह क्रिएट करें, जिसमें हम लोग उपस्थित हो और एहसास करें कि अगर अर्थक्वेक आता है तो वो किस तरह होगा। तो इसलिए
पहले हम लोगों को दिमाग में काफी स्पष्ट हो जाना चाहिए कि आज का कार्यक्रम का मकसद क्या है और कल का क्या कार्यक्रम होने जा रहा है। कल जो रिक्रिएट हो रहा है वो एक अर्थक्वेक सिनेरियो रिक्रिएट हो रहा है। उसमें हम लोग जो भी तैयारी किए हैं या जो भी हम लोगों के प्लान्स हैं उसको एग्जीक्यूट करने का वक्त है, उसको एग्जीक्यूट करने का वक्त है। और वहां नहीं ऑफ किया है, एग्जीक्यूशन में हम लोगों को चंद चीजें जानने का समय है। सबसे पहले तो मॉक एक्सरसाइज में एक अंदाज तो हम लोगों को मिल जाता है कि जब भूकंप आता है तो किस तरह रहता है, कि क्या उसका उसका एक्सटेंट क्या है, उसमें किस किस तरह के नुकसान होते हैं, किस किस विभाग से उसका ताल्लुक होता है, सब चीज का एक नजरिया हम लोगों को मिल जाता है। दूसरी तरफ हम लोगों को यह भी मालूम होता है कि हम लोगों का प्लानिंग कहां तक हुआ है। आज हम लोग ये कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस में बैठकर ये पूछ रहे हैं कि साहब हम ये करेंगे वो करेंगे, कल जब मॉक एक्सरसाइज होगा वहां पर ये बताना पड़ेगा कि साहब हमारा ये कार्यक्रम हम ये कर रहे हैं, कल समय है कर दिखाने का। तो ये हम तभी कर दिखाएंगे जब हमारा कोई प्लान हो, अन्यथा क्या होगा कि काफी एडहॉक चलेगा। और ये मॉक एक्सरसाइज का ये भी एक मुख्य पर्पस है जिससे पता चले कि हमारी तैयारी किस हद तक है, ताकि हमारा गैप एनालिसिस हो सके, हम जान लें कि हम किस किस बिंदु पर कमजोर हैं, हमारी क्या क्या पॉइंट्स बिल्कुल अनकवर्ड रहे हैं, कौन से ऐसे प्रोसेसेस हैं या जो कौन से ऐसे काम हैं जो हम गलत कर रहे हैं। ये सब हमको इस मॉक एक्सरसाइज के द्वारा काफी अच्छे ढंग से अंदाजा लग जाता है। और मॉक एक्सरसाइज का एक और बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है, वो है कि पहले जान तो ले कि इसमें स्टेक होल्डर कौन है। कल जब भूकंप अगर कहीं आता है तो वहां आपदा प्रबंधन में जुटे लोग कौन कौन है, मेरे सिविल सर्जन कौन है, मेरे डीएम कौन है, होमगार्ड के कमांडेंट कौन है। अगर पहली बार उसी दिन आप मिल रहे हो तो आप में तालमेल और समन्वय का अभाव हो जाता है। तो इसीलिए इस तरह के एक्सरसाइज से हम लोगों का ये प्रयास रहता है कि जान तो ले बाकी स्टेक होल्डर्स कौन है, हम एनजीओ को कैसे इसमें इन्वॉल्व करेंगे, पूरा मैंने पहले तो जान ले कि एनजीओ है कौन इस फील्ड में। तो ये मॉक एक्सरसाइज का एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है जिसमें हम लोग एक दूसरे से जान पहचान बढ़ा ले। और ये तय बात है कि जान पहचान जब बढ़ जाता है तो जब काम करने का वक्त आता है तो काम बेहतर ढंग से होता है। अनजान व्यक्ति से काम करने से बजाय जान पहचान के व्यक्ति से काम करने का ज्यादा सफलता मिलती है। और अंत में एक और उद्देश्य है जिससे हम लोग को एहसास होता है कि हमारे पास किस चीज का अभाव है। भुज के भूकंप की बात हो रही थी, उसी दिन अहमदाबाद में भी अर्थक्वेक हुआ था, तो वहां के लोगों को पूछिएगा कि उस अर्थक्वेक के बाद कॉन्क्रीट कटिंग मशीन खरीदा गया था। आज अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास शायद देश में सबसे बेहतर अर्थक्वेक से डील करने के लिए इक्विपमेंट उपलब्ध है। तो वो लोग बेचारे रियल लाइफ सिचुएशन से गुजर कर ये सब हासिल किए हैं। इस तरह के मॉक एक्सरसाइज से हम लोगों को बिना से अनुभव प्राप्त किए उन दूसरों के अनुभव से और इस मॉक एक्सरसाइज के अनुभव से हम लोग जागरूक होकर वो मंगवा सकते हैं और अपने आप को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो ये है हम लोगों का मॉक एक्सरसाइज का मुख्य उद्देश्य। मेरा अनुरोध होगा सभी एजेंसियों से कि वो अपने रोल को ठीक ढंग से समझ लें, परख लें कि कल किस किस तरह से इस एक्सरसाइज में भाग लेंगे, ताकि हम लोग एक अच्छा एनालिसिस कर सके। कल अगर कोई छूट हो गई हो या कोई चीज कोई विभाग नहीं फिर रमैया को कि वे आकर इस सभा को संबोधित करें। 2004 में जुलाई में तो अनुभव जैसा लगेंगे, उसके बाद जो है ना खाना पीना वगैरह कुछ नहीं, कोई फोन वगैरह काम नहीं करेंगे, तब का सिचुएशन के बारे में मालूम हो जाता है। यहाँ पर हम लोगों ने बैठे हुए तो कहा जितना किताब है किताब को लेकर के जो हम कहते हैं ये है ये इतना गाइडलाइंस है, जितना गाइडलाइंस बैठने हो जाने के बाद पढ़ने के बाद हम लोग अब अंत में लगता है तो
तो मैंने इनको काम किया, इनको इतना बता दिया, इतना ये करने के बाद उनका काम करना था, सिविल सर्जन को काम करना था, इलेक्ट्रिसिटी वाला को काम करना था, पलाना को काम करना था, सबका हम लोग उस समय खोसने से उनका उंगली दिखाने से कुछ नहीं होने वाला होता है। आपको हर एक आदमी जो खास करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिनको अगर रिस्पांसिबिलिटी दिया हुआ है वो रिस्पांसिबिलिटी इस हद तक उन लोगों का अपना निभाना है। हर एक आदमी से रिस्पांस उन्होंने किस प्रकार का उनका अपना लिंक कनेक्शन किस प्रकार का कनेक्शन बना करके वो रखेंगे हर सिचुएशन में। उसके अल्टरनेटिव सिस्टम हम लोग कहते हैं हमें हॉस्पिटल फॉर्म करेंगे, हॉस्पिटल भी कोलैप्स हो जाएंगे। अभी मैडम कह रहे थे मेडिकल कॉलेज, कोई भी बिल्डिंग वहाँ का मेडिकल कॉलेज का जो बिल्डिंग बहुत पुराना भी हो गया होगा, आज जो बन रहा है रेट्रोफिटिंग से भी नहीं बन पा रहे होंगे, या बनाया भी होगा तो हम लोगों ने सारी इंजीनियरिंग हम लोगों सारी प्रकार का सब व्यवस्था करने के बावजूद भी एग्जीक्यूशन में उसका क्वालिटी खराब हो गई होगी, क्वालिटी खराब हो जाएंगे वो भी कोलैप्स हो सकता है। अभी एक सिचुएशन ऐसा सिचुएशन आया जिनको वेल ट्रेंड करके रखा हुआ है, वही टीम का डेथ हो गया, वही टीम को डेथ हो जाने का, अभी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को या डिविजनल कमिश्नर को किसी को अगर रिस्पांसिबिलिटी देकर के रखे हुए हैं, अगर एर्थक्वेक हो गया पटना में उनका घर पर भी हो सकता है वो वहां से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए होंगे, उनकी अल्टरनेटिव सिस्टम भी नेक्स्ट ऑफिसर कौन इस रिस्पॉन्स सिस्टम में आकर के, जो अंग्रेजी में कहावत चलता था द किंग इज डेड लॉन्ग लिव द किंग सिस्टम में समबडी शुड स्टेप इन एंड शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसी तरह का पोजिशन में होना चाहिए। या नहीं तो मुझ में भी हो जाने के बाद डॉक्टर साहब लोगों का कह रहा था सब इन लोगों के इलाज कर। सदस्य श्री एस सी झा जी, मिस्टर पी एन राय, डॉक्टर बाला प्रसाद, मिस्टर रमैया, जनरल दत्ता, बहुत खुशी की बात है कि ये मीटिंग आज एनडीए में और विपार्ट की पहल पर बीएसडीएमए के प्रमिसेस में हो रही है। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा अटेम्प्ट है और दत्ता ने अच्छा एक डिटेल प्रेजेंटेशन दिया है इस स्मॉक ड्रिल का क्या उद्देश्य है, कैसे करना है, क्या करना है, इसके जो बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण जो पहलू है कोऑर्डिनेशन, यू सी कितने लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, वो सब इन्वॉल्व हो जाते हैं किसी भी मेजर डिजास्टर में, तो उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे हो सकता है। समझते ये बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है एंड वी शुड बी थैंकफुल टू मिस्टर दत्ता, जनरल दत्ता, फॉर टेकिंग द ट्रबल ऑफ कमिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग दिस। उसी मैं दो तीन चीज़ें कहना चाहूँगा। एक तो आप सामने में पहले मैं ये दिखा दूँ आपको कि आप ये देख रहे हैं, चूँकि थोड़ी इमरजेंसी सेंटर, इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की भी बात आ रही थी, तो ये इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का प्रपोज लेआउट है। एक्चुअली ये जो ब्लू प्रिंट अगर हम कहेंगे एक सॉर्ट ऑफ जनरल ब्रॉड ब्लू प्रिंट, दिस वॉज गिवन इन द रिपोर्ट ऑफ द हाई पावर्ड कमिटी, जो कि 99 में उस समय के कृषि मंत्री, क्योंकि उस समय सब्जेक्ट कृषि मंत्रालय में था एंड माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी उस समय कृषि मंत्री थे भारत सरकार में, और उनके सुझाव और एडवाइस पर मिस्टर शरद पवार जो कि उस समय डिफेंस मिनिस्टर होते थे मार्गदर्शन दिया गया था। ये जो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का जो कॉन्सेप्ट है दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस इन यूएसए, वी हैड स्टडीड द, उस समय दिल्ली में भी फील हुआ और इमीडिएटली आईएमडी जो भारतीय मौसम विभाग है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उन्होंने ये फ्लैश करना शुरू किया टीवी पर और हम लोगों ने उनके डीजी से भी बात किया, तो कहा कि साहब समथिंग सीरियस हैज हैपेंड, इट इज इन द एरिया ऑफ गुजरात, यू सी दैट इज व्हाट देयर साइसोमीटर्स हैव रिकॉर्डेड एंड दे सेड कि हम आपको मैग्नीट्यूड वगैरह सब देंगे कुछ यू नो इन अ कपल ऑफ आवर्स एक्सेट्रा, बट दे सेड कि इट इज समथिंग सीरियस, यू सी। बट सीरियस का क्या मतलब है, कितना सीरियस है? अगर 500 लोग मरते हैं तब भी वो भी सीरियस है भाई, 1000 भी सीरियस है, और 20,000 इन्होंने कहा, हालांकि ऑफिशियल फिगर्स फाइनली गवर्नमेंट ऑफ गुजरात जो फाइनली अब उनके रिकॉर्ड्स में है दैट इज अबाउट 13,000, यू सी। डिस्ट्रिक्ट सेक्शन, ईडीपी सेक्शन, और यहाँ पर इस साइड में इसमें इसका पेंट्री स्टॉक जापान में जो कोबे का अर्थक्वेक हुआ 1995 में, उस समय का उनका जो ईओसी था वाज अफेक्टेड, यू सी, इट बिकेम प्रैक्टिकली नॉन फंक्शनल।
उसके बाद उन्होंने काफी समय लिया, उसे 8 साल लिया संभव होते था। 2003 में वो उन्होंने नया ईओसी बनाया, जिसको कि हमने देखा वहां पे रहे भी हैं। नाउ दैट ईओसी अकॉर्डिंग टू देम कैन विथस्टैंड यू नेम ए डिजास्टर, जैसे कि सर यू नेम। उसके बाद बच्चों के लिए डिजास्टरटेनमेंट का सेक्शन उसमें होगा कि साहब, बिकॉज बच्चों को सिर्फ आप टेक्स्ट बुक में डाल दीजिए वो तो नहीं चलेगा, उसे उनको हमें दूसरे तरीके से ट्रीट करना होगा। फिर महिलाओं को हम कैसे एड्रेस करें, कैसे सेफ होम्स बने, उसे एक एक परिवार कैसे सेफ बने। उसे 26 जुलाई 2004 को 2005 को हाउ मच आई एम मोर सेफर देन 26 जुलाई 2005 आपका स्कूल कितना सेफ है, आपका डिस्पेंसरी जो आईटी कैंपस, आईटी इज वन ऑफ द टॉप यू सी। तो उन्होंने इमीडिएटली बाहर ने देखा अपने कार कलीग्स को, देन कहा कि सॉरी वी हैव नॉट डन एनीथिंग फॉर आवर स्कूल। हम लोग तो पहले ही और कंसल्टेशन भी आप कर रहे हैं अनुज जी ना, सबसे आप तो और डिपार्टमेंट से एक हफ्ते से ही आप होपफुली जो है जो डॉक्यूमेंट मिला हुआ है, जो बातें चल रही है एक हफ्ते से, उसको आप लोग और ठीक से कर लेंगे कराने के पहले। हर डिपार्टमेंट जो है सर 75